बिहार में जाति आधारित सर्वे आने के बाद कई राजनीतिक दलों के निशाने पर यादव ही है। सर्वदलीय मीटिंग में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने यादवों की संख्या को लेकर सवाल उठाया। साथ ही मांझी ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नीतीश कुमार से मंत्रिमंडल गठन करने की मांग भी की। नीतीश कैबिनेट में 31 मंत्रियों में से 7 यादव समुदाय से है। यादव समुदाय से आने वाले मंत्रियों के पास सरकार के 10 बड़े विभाग है जिसका बजट करीब 39% है। यादव कोटे से बने मंत्रियों के पास स्वास्थ्य, शिक्षा, पथ निर्माण, पीएचईडी, ग्रामीण कार्य, वन, ऊर्जा, सहकारिता जैसे बड़े विभाग हैं। वहीं सोशल मीडिया पर आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी पर भी बवाल मचा है। यूजर्स का कहना है कि मुसलमानों से कम आबादी होने के बाद भी यादवों के विधायक और मंत्री ज्यादा कैसे हैं? AIMIM के विधायक ने मुसलमानों में पिछड़े जातियों के लिए अलग से आरक्षण व्यवस्था की मांग की है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों तक बयानबाजी हो रही है, उससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में यादवों की टेंशन बढ़ सकती है। बिहार में अति पिछड़े और पिछड़े समुदाय की आबादी करीब 63% है। यादव को 14.26% को अगर हटा दिया जाए तो यह करीब 48% के आसपास होता है। यानी गैर यादव OBC और EBC बिहार में करीब 48% है। सत्ता की हिस्सेदारी में यादवों के मुकाबले इन जातियों का दबदबा वाले वक्त में जब हिस्सेदारी देने की बात आएगी तो इस पर घमासान हो सकता है और इसका नुकसान यादवों को ही होगा। अगर हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी तो फिर सर्वे का कोई मतलब ही नहीं होगा। आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी का फॉर्मूला अगर लागू हुआ तो बिहार में यादवों के अधिकतम 35 विधायक बन सकते हैं। बिहार विधानसभा के 2015 के चुनाव में यादव समुदाय के 61 विधायक चुनकर सदन पहुंचे थे। 2020 में यह आंकड़ा 52 का है। यानी हिस्सेदारी का फॉर्मूला लागू हुआ तो यादव समुदाय के करीब 15 से 20 विधायक घट जाएंगे।